Assalamualaikum my YouTube family, this is Batool. Welcome back in Batool's kitchen. Sab kaise hain? Umeed hai sab bilkul theek thaak honge. I'm back with another amazing recipe. To aaj Batool's kitchen mein main ready karungi bahut hi mazedar si homemade beef nuggets. Bahut hi simple si recipe hai. Is recipe ko apne evening snacks mein zarur try kijiyega. Mujhe comment section mein zarur feedback dijiyega kya aap logo ko beef nuggets ki recipe kaisi lagi. तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. और बीफ नगेट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बीफ का कीमा. हाफ के जी आपने लेना है. आप इसकी जगह मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फरमाइश थी बीफ की तो मैंने बीफ इस्तेमाल किया है. ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे चार मीडियम साइज के. अगर आप मीडियम साइज ले रहे हैं तो चार लें, और अगर लार्ज ले रहे हैं तो तीन यूज करना है. सोया सॉस लेंगे 1 टीस्पून, चिली सॉस लेंगे 1 टीस्पून, लेमन जूस लेंगे 2 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 2 टेबलस्पून, पपीता पेस्ट, पपाया पेस्ट, मिंट टेंडराइजर है ये लेंगे 2 टेबलस्पून. इसकी जगह आप कश्मीरी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. छोटी काली मिर्च, क्रश ब्लैक पेपर लेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट नमक लेंगे 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च और चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, अंडे एग्स हमें चाहिए होंगे 2 अदद, और ब्रेड क्रम हमें चाहिए होंगे 1/2 कप. तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो है आपने ब्रेड लेनी है, और उसके इस तरीके से कॉर्नर्स को कट कर लेना है, और उसके पीसेस कर लेंगे. एक चॉपर लेंगे, उसमें जितने भी हमने स्लाइसेस लिए हैं वो आपने ऐड करने हैं. अगर मीडियम साइज़ की ले रहे हैं तो 4 मीडियम साइज़ की ब्रेड लेनी है. अगर लार्ज आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने 3 यूज़ करनी है. अच्छी तरीके से इसको पहले चॉप करेंगे. इट्स डन. ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से चॉप हो गई है. अब हम इसमें ऐड करेंगे बीफ का कीमा 1/2 kg. आप लोग इसकी जगह मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग बीफ यूज़ नहीं करते. सारा ऐड करेंगे. इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी लाल मिर्च और चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, पपीता पेस्ट, पपाया पेस्ट, मीट टेंडराइजर है ये गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल होता है 2 टेबलस्पून. इसकी जगह आप कश्मीरी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. चिली सॉस लेंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस लेंगे 1 टीस्पून, कुटी काली मिर्च क्रश ब्लैक पेपर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, अंडा एग ऐड कर रही हूँ मैं 1 अदद. अब इसको तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपने अच्छी तरीके से चॉप करना है. ब्रेड और जो कीमा था उसके साथ हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चॉपर में. ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो गया. इसका बहुत ही सॉफ्ट सा कीमा बन गया है. निकाल लेते हैं. मैदा प्रिपेयर कर लेना है. 1 कप मैदा लेना है. उसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिक्स हर्ब्स 1 टीस्पून, नमक सॉल्ट लेंगे 1/4 टीस्पून, थोड़ी काली मिर्च क्रश पेपर शामिल कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून. इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो हमारी मैदे की जो कोटिंग है वो रेडी हो जाएगी. इस दौरान इसको साइड पे रखेंगे. जब बोल लेंगे उस पर मैं डाल रही हूँ अंडा. नमक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1/4 टीस्पून. अब अच्छी तरीके से अंडे को बीट करना है कोटिंग के लिए. ग्रेजुअली मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी 1/2 कप. मिल्क से ये होगा कि जो आप नगेट्स हैं वो सॉफ्ट बनेंगे. अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे. ये भी हो गया है. चलिए जी अब नगेट्स रेडी कर लेते हैं. हाथों को आपने वेट कर लेना है. ऑयल से मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ऑयल शामिल नहीं करा, तो ऑयल की मदद से हम जो है नगेट्स बनाते जाएंगे. साइज़ आप जो भी रखना चाहें. मैं इस तरीके से आप नगेट्स को बनाएंगे और उसको शेप देंगे. जी बन गया. अब इसको हम फ्लोर कोटिंग लगाएंगे इस पे. और उसके बाद हमने इसको अंडे में डिप करना है. अंडे में अच्छी तरीके से डिप करने के बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे. अच्छी तरीके से प्रॉपर आपने कोट करते जाना है और बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे. ये देखिए जी सारे रेडी हो गए हैं. चलिए जब से फ्राई कर लेते हैं. कुकिंग ऑयल लेंगे पैन में, डीप फ्राई करना है.
इसको डालते जाएंगे, इसको फ्राई करते जाएंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे नगेट्स, बीफ नगेट्स फ्राई हो गए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर, बीफ हो या मटन हो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करने से। ये देखिए जी फ्राई हो गए, आप इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए जी, आप इसे चिली गार्लिक सॉस केचप के साथ सर्व करें, मायो के साथ इंजॉय कीजिए। केचप की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँ, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से बीफ नगेट्स रेडी हैं, मैं इसे तोड़ के दिखा दूँगी कैसे बने। तो देखिए जी कितने मज़ेदार शॉक, कितने सॉफ्ट रेडी हुए हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। नगेट्स की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बतूस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो चलिए जी, मैं इस नगेट्स को इन्जॉय करती हूँ, आप अपने घरों में आकर इन्जॉय कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साइनिंग आउट, लॉट्स ऑफ लव, रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। Don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon. Stay tuned. Al-Hafiz.